अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग के साथ। बस टाइम ही नहीं मिलता, अभी मेरे पेपर्स भी हो रहे थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, बस वीडियोस ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और मेरा आपको मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया गया, मैं पहले से ही वीडियोज़ ना रखती हूँ रिकॉर्डेड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी वगैरह, फिर ऊपर से पेपर, तो मैंने बहुत पहले से ही रिकॉर्ड करी हुई थी वीडियोज़। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग के साथ हाजिर हो जाए। ये मैंने कल ही शेप्स बनाई थी जो थोड़ी बहुत ड्राई हैं, ये ड्राई हैं ये वाली, और ये मैंने चंक्स निकाल लिए थे और ये शेप निकाल ली थी। तो अब हम थोड़ी सी व्लॉगिंग कह रही हूँ थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा व्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट में बताओ क्या हाल है, क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ सर्दियाँ आ गई हैं। कराची में तो अभी फ़िलहाल नहीं आई है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, दिन में तो बहुत ही गर्मी होती है, हाँ रात थोड़ी ठंडी ठंडी सी हो गई है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चले हमारे तो टेक्सचर ड्राई हो रहे हैं। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी क्रम्बलिंग, मैं आपको अपने सारे टेक्सचर से मिलवा देती हूँ बहुत टाइम बाद। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा है मड वाला टेक्सचर। ठीक है, तो इसमें क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसका यही मसला है। धूप सही से नहीं निकल रही ना, तो इस वजह से टेक्सचर जो है ड्राई भी नहीं हुआ है सही से। ये भी अभी गीला है क्योंकि 2 दिन हुए बनाए हुए शेप्स। कहाँ लेके जा रही हूँ मैं कैमरा अपना। अच्छा, इसकी जो टेक्सचर की साउंड है ना, वो आती है अच्छी क्ले पॉट में। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि तो क्ले पॉट में बनाऊँ इसकी ख़ास तौर पे, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसे मैंने थोड़ी सी एशेज डाली थी, इस वजह से इसका रंग इस तरह का हुआ हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डस्टी बने वीडियो और जो है इसकी साउंड अच्छी आए। ठीक है, तो ये सीन है। ये है छत वाला टेक्सचर, इसकी तो मैंने कल ही शेप बनाई थी, तो ये तो बिल्कुल ही वेट है। ठीक है, इसको तो हम छूते ही नहीं हैं, वो थोड़ी बहुत ड्राई है, बट कल ही बनाई है तो उसका कोई मज़ा नहीं आएगा। यहाँ आ जाते हैं, ये अपना ग्रेटी टेक्सचर। मैं ना मोबाइल स्टैंड पे लगा लूँ फिर इसकी करती हूँ, क्योंकि ये टेक्सचर जो है ना दोनों हाथों से टूटता है तो टूटता है, वरना ये बहुत तंग करता है। तो हमने स्टैंड पे लगा लिया मोबाइल पर, ये स्टैंड मेरा टूट चुका है पूरा का पूरा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाली बॉल जो है ना हार्ड हो गई, हार्ड हो गई क्योंकि ज़्यादा पानी में बनी थी। हार्ड हो गई टेक्सचर, इतना चुभता है जैसे चूड़ियाँ चुभ रही हैं, क्योंकि फुल ग्रेटी टेक्सचर है ना। और ये अभी हल्का हल्का वेट भी है। अल्लाह, ये टेक्सचर क्यों हार्ड हो गया? ये मैंने ना असल में ज़्यादा पानी में थोड़ा बना लिया था, तो अब ये मुझे बहुत अजियत पहुँचाएगा क्योंकि ये बहुत ग्रीटी है और बहुत चुभता है। खैर देखते हैं, हार्ड भी हो गया तो नो मसला, हम इसको सही कर लेंगे। ये हमारा कंक्रीट टेक्सचर,
तो इसकी हम थोड़ी बहुत क्रम्बलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो शेप्स हैं वो सारी वेट हैं तो उनकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। मेरा ग्रेटी टेक्सचर है, ठीक है, सैंड सीमेंट ग्रेटी टेक्सचर है, सैंड सीमेंट वाला, ठीक है। वो तो सबसे पहले से सेकंड वाला जो मैंने करा था, जो हार्ड था, वो था ग्रेटी टेक्सचर, उसमें सैंड बहुत कम है, सिर्फ ग्रेट्स ही हैं। इसकी हम एक शेप कर लेते हैं। इस टाइम ये टेक्सचर इतना डस्टी हुआ हुआ है, इतना डस्टी हुआ हुआ है, जबकि इसको सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ठीक है। बट मेरा जो ये कैमरा है ना, ये डस्ट को करता ही नहीं है सही से कैप्चर। अगर धूप में कर रही होंगी तो अच्छा करेगा, ये डस्टी दिखेगा, और अगर क्ले पॉट में करूँगी तो भी दिखेगा, बट फ्लोर पर करूँ तो डस्ट दिखती ही नहीं है। मेरी आंखों को दिख रही होती लेकिन कैमरे को नहीं दिख रही होती। अभी भी इसमें इतनी डस्ट है। पहले हम सारी क्रम्बलिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको फर्दर जो करूँगी वो दिखा दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये बिखरावा जो किया है इसको समेटना भी तो होता है। अच्छा, ये मैंने सेटअप लगाया था बट ये ड्राई हो रहा है अभी, तो इसकी हम एक शेप कर लेते हैं। ब्लॉक येलो टेक्सचर है ये। ये भी डस्टी हो रहा है टेक्सचर। अब धूप ना थोड़ी गर्म है, मतलब धूप, एक तो धूप होती है ठंडी ठंडी, ठीक है, लेकिन आजकल बड़ी तेज़, बहुत तेज़ गर्म धूप है कि अगर बंदा खड़ा हो तो जली जाएगा सम से। तो टेक्सचरों में ना डस्ट अच्छी हो रही है आजकल। इसकी हम शेप बना लेंगे बाद में, ठीक है। ये येलो, वो येलो ब्लॉक टेक्सचर है। अच्छा, ये मेरी गोल्डन सैंड है, ठीक है। तो इसका हमने माउंटेन बनाया है, इसको हम तोड़ते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना कराची में सबसे ज़्यादा यही सैंड पाई जाती है। मैं ये रेड सैंड इतना ढूंढ रही हूँ, इतनी ढूंढ रही हूँ, इतनी कि कोई मड मिल जाए, कोई रेड सैंड मिल जाए, पर नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमारी तरफ। तो क्या बंदा दूसरे शहर जाएगा देखने? क्या करूँ मैं? अगर कोई कराची से है ना तो मुझे प्लीज़ बताए कि कहाँ से लूँ मैं वो टेक्सचर्स। इसमें मैंने ना रेड गमले को तोड़ तोड़ के, कुछ चीज़ें गमले को तोड़ तोड़ के जो स्टोन्स होते हैं ना वो बने थे, वो मैंने ऐड करे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा रेड और गोल्डन टेक्सचर है।
और प्लीज़ इस शोर को तो इग्नोर ही करें क्योंकि शाम हो रही है, सब अपने अपने घरों को जा रहे होंगे तो शोर तो फिर आता ही है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे टेक्सचर की तरफ। टोगी अभी तो बैठी है, अच्छा गाइस इस टेक्सचर की मैं शेप्स नहीं बनाती, मैं इसके इसी तरह चंक्स बना देती हूँ क्योंकि इसकी शेप्स हार्ड हो जाती हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसकी शेप्स बना के रखी थी तो मैंने कल जब वीडियो रिकॉर्ड करी इतनी हार्ड शेप कि टूट ही नहीं रही थी, तो इसका ये टेक्सचर बन ही नहीं पाता शेप्स में, तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से क्रम्बल करने की कोशिश करती हूँ चंक्स को। ये भी फुल ही वेट था, खैर हम इसको बना देंगे दोबारा। और कोल है इसको क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये बारिश की वजह से ना गीला हो गया। ये जो टेक्सचर है ना ये मैं शिफ्ट करूंगी अपनी उसी रॉ में क्योंकि यहाँ पे तो धूप ही नहीं आती। चेक कर लेते फिर हम। क्योंकि ये टेक्सचर जो है ना पूरा बनेगा दोबारा से। अच्छा मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि क्रम्बलिंग का मज़ा खामोशी में ही आता है और मैं जब क्रम्बलिंग कर रही होती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई हाँ बोलना भी है कुछ। ये है अपना मल्टी स्टोनी टेक्सचर, मेरा बड़ा प्यारा टेक्सचर है, मेरा फेवरेट है। उस बेचारे की डस्ट इतनी उड़ती है कि टेक्सचर ही कम होता जा रहा है। होप सो आप लोगों को मेरे व्लॉग बोरिंग नहीं लग रहा होगा यार,
बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, उसमें आदत नहीं है, थकन हो गई एकदम से ना इधर से उधर उधर से इधर बैठने में। अच्छा ये एशेज है, इनको यहाँ करके ज़रा क्रम्बल देखती हूँ उठने के लिए। इसको ना मैं बढ़ाऊंगी और फिर इसका एक अलग से ही टेक्सचर बनाऊंगी। तो यही था क्रम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। और कुछ ऐड नहीं किया? हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं रहा। डर्ट जो है ना मेरी, जो बिल्कुल फाइन डर्ट है वो अभी ड्राई हो रही है, वो पानी में भिगोई दी है, ठीक है। मैंने बाकी एक दो टेक्सचर गीले हैं मेरे, वो भी ड्राई हो रहे हैं, तुम भी तो क्रम्बलिंग करना ही फजूल है, ठीक है। तो अब जो ये फलावा हुआ है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह समेटती हूँ, किस तरह जल्दी जल्दी शेप बनाती हूँ, कि मगरब होने वाली है थोड़ी देर में, तो मुझे ये काम जल्दी जल्दी करना होगा, ठीक है। तो करते हैं हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड, फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करते हैं। होप्स आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने सारे टेक्सचर अपने बताए, सबकी क्रम्बलिंग कर ली, उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ किरण ASMR जो है, और ग्रे ASMR जो है, शोला और लिली अलीजे, और कौन कौन मुझे कमेंट करता है अभी, एक और भी तो किन्होंने किया था, उनकी मैंने वीडियोज़ भी देखी थी यार, आई थिंक किरण ASMR थी, एक और भी थी यार ASMR, मैंने उनकी देखी थी वीडियो। होप्स आप समझ गई होंगी मैं किनकी बात कर रही हूँ। मैंने उनका चैनल भी बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर दिया है, अच्छे से क्या मतलब कर दिया है, तो मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, खैर नाम नहीं याद आ रहा है, इंशाल्लाह जब आएगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर उनका नाम लूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखेगा, ठीक है। मेरे पेपर हो गए हैं, प्रैक्टिकल है कल से, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा, और मेरे चैनल पर अपना प्यार बरसाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।